जी बहुत बहुत शुक्रिया मुसाब और मोहम्मद ज़ुबैर साहब का अगला सवाल है और वो ये पूछते हैं मुहरम के महीने में शौकिया हलीम पकाना खाना जायज़ नहीं जायज़ नहीं है इससे बिदत की ताइद होती है कोई भी ऐसा काम करना क्योंकि लोग इस में महीने में हलीम पकाते हैं इसको एक मज़हबी रसम समझ के पकाते हैं तो जाहिर एक बिदत अमल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाब कराम से इसका सबूत नहीं है वैसे भी खाने पीने का इस्लाम में जो तस्वूर है वो ऐसा नहीं है जैसा हमारे माशरे में बना लिया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने में बहुत कनाहत से काम लेते थे और आप अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बदतरीन बर्तन जो है ना भरने के लिहाज से वो इंसान का मैदा है तो हम देखते हैं कि नबी अलैहि वसल्लम की सीरत खाने पीने के मामले में कनाहत है तो इस्लाम में रोज़ा इबादत है खाना इबादत नहीं है और हलीम तो बड़ी भारी भरकम चीज़ होती है उसको पकाने में कितना टाइम लगता है पूरी पूरी रात देगो में चमचे खिलाना पड़ते हैं तो टाइम का ज़्याया है किसी भी लिहाज से ये चीज़ शरीय के मिजाज से मैच नहीं करती है तो अगर आपकी नीयत इंटरटेनमेंट है एक तफरी है, तो तफरी आप सफर में क्यों नहीं कर रहे ठीक तो है, तो है।, तो है, है मगर नतीजा क्या निकल रहा है कि जो इस महीने में मुहर्रम पकाते हैं उनके अमल की होती जो के महीने में हलीम पकाते हैं उनके अमल की ताइद हो रही है तो अपने कौलो अमल से एक बुरी रस्म की नफी करनी चाहिए उसकी ताइद नहीं करनी चाहिए इसलिए नहीं करना चाहिए मुहर्रम में